आप देख रहे हैं साधना और समाधान। अमावस की काली रात का ये ऐसा टोटका है, ये टोटका आपके सर्व शत्रुओं का विनाश भी करेगा और आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। अगर आपने भी अमावस की काली रात इस टोटके की विधि को अपना लिया और आप माता मसानी मेलडी जी की अगर शरण में आ गए। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, सर्व शत्रु विनाशक, और इस टोटके को जो आपने अपनाना है, जो करना है, अमावस की काली रात, केवल अमावस वाले दिन ही आप इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं। हर महीने अमावस आती है तो उसी दिन ही आप इस टोटके को करें, तो इससे जो भी आपके दुश्मन हैं तो उनका पूर्ण रूप से विनाश होगा। अगर उन्होंने कोई बुरी शक्ति से आपको बांध रखा है तो उसका भी निवारण होगा, और जो आपके दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, आपकी शरण में आ जाएंगे अगर आपने इस विधि को अपना लिया। क्योंकि यह जो टोटका है, शत्रु विनाशक देवी माता मसानी मेलडी का, जो शमशान की देवी है, शमशान की देवी का ये टोटका है और बिल्कुल सरल विधि है। और यह जो टोटका है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं। तो इससे जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, तो उनके दिन का चैन और रात की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि वो पकड़ में आ जाएंगे। पकड़ में किसके आएंगे? माता मसानी मेलडी के, ऐसी देवी जो अपने भक्तों की रक्षा करती है और दुष्टों का संहार करती है। अगर आप भी अपने दुश्मन, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, आपका दुश्मन बलशाली है, आप कमजोर हैं, निर्बल हैं, तब आप इस टोटके की विधि को अपना कर देखें तो ये टोटका आपको तुरंत रिजल्ट देगा। ये आपके दुश्मन, आपके शत्रु की तबाही तो करेगा ही करेगा, एक हो या फिर अनेक हो। इसके साथ साथ जो भी आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी आत्मा है, तो उसका भी निवारण करेगा यह जो टोटका है। और आपने इस टोटके की विधि को कैसे अपनाना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी ब्लैक काली सरसों चाहिए, सात चुटकी। सात चुटकी में जितनी भी सरसों आ जाए, सात चुटकी आपको ब्लैक वाली काली सरसों की चाहिए। और यह जो टोटका है, आपने अपने घर की रसोई में करना है पहले, तो जहाँ पर आप तवे के ऊपर जो चपाती वगैरह, रोटी वगैरह बनाते हैं, उस तवे को गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखने के बाद उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद उसके ऊपर आपने फिर अपने दुश्मनों का नाम लेकर, अगर आप नाम जानते हैं, अगर जानते नहीं तब आपने माता मसानी मेलडी जी से बेनती करनी है कि जो भी हमारे जीवन में हमारे गुप्त शत्रु हैं, आप उनका पूर्ण रूप से विनाश करें और आप हमारी रक्षा करें। अग्नि के ऊपर जब तवा गर्म हो जाए तो एक एक चुटकी सात बार आपने डाल देनी है ये जो सरसों हैं। लेकिन ये सरसों तवे के ऊपर डालने से पहले
आपने पूरे घर में इसको घुमा लेना है, सभी के ऊपर से उल्टा 7 बार इसका एक उतारा भी कर लें। इससे आपके घर का भी निवारण हो जाएगा, कोई नजर टोटका है, कोई बुरी शक्ति है तो उसका भी निवारण होगा। और उसके बाद आपने तवे के ऊपर इसको जला देना है, इसकी राख बना लेनी है। राख बनाने के बाद कोई सफ़ेद वाइट वाला फिर आप कागज ले लें, और यह जो राख है जब अच्छी तरह से ये सरसों जल जाए, इसकी राख बन जाए, उसके बाद उस कागज के ऊपर आपने इसकी ये जो बबूत है उसको डाल लेना है, इस राख को। और उसके बाद आपने तुरंत जाना है किसी चौराहे में। चौराहे में जाने के बाद आपने ये जो राख है तो चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी सी राख को आपने ऐसे फेंक देना है। इससे आपके दुश्मन, आपके शत्रु के चारों रास्ते बंद हो जाएंगे, आपकी शरण में आ जाएगा, आपके तलबे चाटने के लिए मजबूर हो जाएगा, और हर कोई भी वह कार्य कर रहा है आपके खिलाफ तो पूर्ण रूप से उसकी बंदिश हो जाएगी। आपके दुश्मन आपके शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करेगा। माता मसानी मेल्टी जी का अमावस की रात वाला जे शक्तिशाली टोटका, और यह जो टोटका है अमावस की काली रात्रि को जब सूर्य अस्त हो जाए, अस्त होने के बाद रात्रि 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप इस टोटके की विधि को अपना सकते हैं। और जब आप इस टोटके की विधि को अपनाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करना, जब आपने इस टोटके को कर आना है, तो यह है साधना और समाधान चैनल का शत्रु विनाश टोटका। और इसी चैनल की तरह एक हमारा दूसरा चैनल है बाबा गुरु ब्लॉगर चैनल, तो इस चैनल की तरह उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं, गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन मन चाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।